जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करेगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु येसु के पावन नाम में आप सबको मेरा जय येसु। आज 16 अक्टूबर 2022 माता कलीसिया वर्ष का 29वां रविवार मनाती है। आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ और सुसमाचार के द्वारा हम प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करने वाले हैं। आज के सुसमाचार से प्रभु एक निकम्मे न्यायाधीश एवं एक विधवा की कथा द्वारा परमेश्वर की न्यायपरिता को प्रस्तुत करते हैं। हम न्याय पाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक कर हार कर बैठ जाते हैं, अपने मुद्दे के विरुद्ध हिम्मत हार जाते हैं। आज दुनिया में जब हम देखते हैं दलित, कमजोर, निराशा, समाज से वंचित लोगों को सुनने वाले कोई नहीं है, गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है, और आज इस विकट परिस्थिति में प्रभु इस विधवा के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। संघर्षपूर्ण प्रार्थना एवं निवेदन हमें न्याय दिलाएगा। प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के द्वारा हमें शक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना की शक्ति को हमें पहचानना है, हमें निरंतर प्रभु से जुड़े रहना है। वह आपके लिए हर प्रकार की प्रबंध करेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 15 और 18 में लिखा है कि वह अपने सेवकों के लिए सब कुछ प्रबंध करेगा जो हमेशा उसके साथ रहेगा। सही बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना पर्वत हिला देती है, प्रार्थना बदल देती है। इसलिए नित्य हमको प्रार्थना करना है और हमें पक्षपात नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। वह दरिद्रों के साथ पक्षपात नहीं करता और पद दलितों की पुकार सुनता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में लिखा है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवाओं की तरह तिरस्कार कभी नहीं करेगा। इसलिए आज के पाठों द्वारा हम अनुनय विनय करते हुए अपने दुख में, अपने हताशा में, निराशा में हम प्रभु के पास जाए और प्रभु अपने भक्तों की पुकार कभी भी नकारेगा नहीं। वह अपने भक्तों की आवाज सुनेगा और वह हमको गले लगाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह पापी को भी एक पुण्य बना देता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? हमें दिन रात दुहाई देना है, उसके शरणों में जाना है, उसके शरणों में बैठकर उसकी वाणी को सुनना है और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है, और ईश्वर हमारी आवाज को पहचानेगा। क्योंकि वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इतना तो प्रभु का वचन हमें धैर्य देता है, इतना तो वचन हमारे हृदय को आशा से भर देता है जब हम निराशा में हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रण करें कि प्रार्थना कभी नहीं छोड़े और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।